हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस आज जो बात करने वाले हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर तुम्हारा जो टारगेट है ये है कि 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें। सबका टारगेट यही होना चाहिए भैया। अगर दूर सितारे की टारगेट करोगे तब जाके कहीं चांद तक पहुंचोगे ना, तो बड़ा टारगेट रखो। तो कम से कम मैं तो चाहूंगा कि सभी बच्चे का टारगेट जो होना चाहिए क्लास 10th में 100 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि नंबर स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है, कैसे पढ़ें कि 100 नंबर स्कोर करें, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे आज मैं सारे वो टॉपिक बात करूंगा कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या अप्रोच रहना चाहिए जब मैथ की तैयारी कर रहे हो तुम क्लास 10th के लिए। तो इन सभी टॉपिक को आज लेके चलेंगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो आज गाइडेंस दूंगा उसको तुम फॉलो करोगे, और मैं लिख के देता हूं कि जो गाइडेंस फॉलो करेगा आज उसके मार्क्स आएंगे, ये लिख के रख लो, ठीक है? पासिंग की तो बात ही मत करो, पासिंग तो यहां पे मैं 2 या 3 चीजें बताऊंगा, वो तुम कर लो तो तुम पास हो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं फिर। देखो हमारे जो है 80 नंबर का पेपर होगा फाइनल। बेसिकली बात कहूं तो 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, टोटल होता है, जिसमें से 20 नंबर स्कूल के हाथ में होता है, जो आपके FA, असाइनमेंट, टेस्ट, यूटी, फलाना ठिकाना, जितनी भी चीजें होती हैं उसको मिला के 20 नंबर मिलते हैं। अब देखो एक सिंपल सा कहानी है कि मान लो मेरे हाथ में, मैं अगर स्कूल का कोई मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं हेड होता, और मेरे हाथ में ये रहता सिस्टम कि भाई मुझे अपने बच्चों को नंबर देने हैं, मुझे अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। अगर किसी स्कूल को अपनी रैंकिंग बढ़ानी है तो वो रैंकिंग कैसे बढ़ती है, एक बच्चों के मार्क्स कितने आए। अब अगर मेरे हाथ में ये 20 नंबर है तो मैं तो चाहूंगा ना कि ये 20 नंबर बच्चों को दूं, क्योंकि नंबर अच्छे आएंगे फिर बच्चों के, तो मेरा ओवरऑल स्कूल का ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये मान के चल लो कि अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो या अबव एवरेज हो तो ये तुम्हारे 20 नंबर मिलने ही मिलने हैं। बस तुम्हें टाइम टू टाइम असाइनमेंट थोड़ा सबमिट करते रहना, टीचरों से बदतमीजी, तो किसी भी टीचर से बदतमीजी मत करो, पर एक होते हैं ना कि कभी कभी आर्गुमेंट हो जाता है टीचर से, तो वो एकदम मत करो, एकदम नहीं, एकदम बंद कर दो, ठीक है? 10th क्लास में अगर ये 20 नंबर चाहिए तो पहली चीज ये। अब बात करते हैं ये 80 नंबर, ये 80 नंबर तुम्हारे हाथ में है। इस 80 नंबर को तुम अगर चाहो तो पूरे 80 में से 80 स्कोर कर सकते हो। अब इस 80 नंबर को कैसे करना है, क्या है, ये समझते हैं। देखो इसमें जो आएंगे ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पहला पता है, फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरा का पूरा 6 नंबर की वेटेज लेके बैठा है। फिर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा सोचो 25% की वेटेज लेके बैठा है, 25%। अगर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बस ये दो चैप्टर तुम, दो टॉपिक अच्छे से कर लो, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम्हारे पास हो बस इन्हीं दो टॉपिक से। अब अलजेब्रा में ये जो 20 नंबर है ये 4 चैप्टर मिला के हैं। सबसे पहला है तुम्हारा क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और AP। ये चारों चैप्टर मिला के तुम्हारे 20 नंबर के आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का है, एक चैप्टर है, प्यारा सा है। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आती है। मेंचुरेशन में आपके 2 चैप्टर आ जाते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्फेस एरिया, वॉल्यूम और स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के 11 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को पढ़ना कहां से है, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये 80 नंबर है तो 80 नंबर को अगर मैं तोड़ के चलूं तो मैं मानता हूं कि 70 मार्क्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिर्फ 2 चीजें सही से करके जाओ मैथ में। पहला एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कंठस्थ तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे। बेटा टारगेट 100 का लेके चल रहे हो तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो मेहनत ऐसा करके चलो, इतनी अच्छे से रिविजन करके चलो एनसीईआरटी का कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में इसका सोल्यूशन ऐसे घूम जाना चाहिए कि हाँ ये रहा सोल्यूशन, ये रहा सर। इतनी प्रैक्टिस अच्छी से हो जानी चाहिए एनसीईआरटी की। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर तुमने सही से कर लिया विथ एनसीईआरटी, 70 से 75 नंबर तुम्हारे हाथ में होंगे। 80 में से बात कर रहा हूं मैं, 70 से 75, प्यार से नंबर स्कोर करोगे, कोई नहीं रोक सकता इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सीबीएसई क्वेश्चन पूछ कैसे रहा। सिर्फ तुम थ्योरी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे तो उससे काम उतना नहीं बनता, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देती है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो लैंग्वेज कैसा पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कितने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो,
बस ये कर लो, ये लगभग आपके 20 दिन में कंप्लीट हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस 20 दिनों के में आप पूरा मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा सकते हो। बात समझ आ गई। उसके बाद 7 मार्क्स, मैं मानता हूं 70 नंबर अगर ये मिला है तो 7 मार्क्स आपका सैंपल पेपर में आपको स्कोर करता है। देखो सैंपल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सैंपल पेपर आपको पेपर टाइम पे करवाता है। क्या होता है कि जब आप पेपर देते हो 10th क्लास का, थोड़ा सा प्रेशर अलग होता है कि 10th क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये जान लो, अगर तुम्हारे मार्क्स आ चुके हैं तब बोलना कि मार्क्स डजंट मैटर, अभी नहीं आए तो मार्क्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना। मार्क्स रहेगा तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहेगा और तुम आने वाले टाइम में अच्छे से मजबूती से लड़ सकते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहेगा तो ये मान के हम चलते हैं कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मार्क्स के लिए जब तुम पेपर देने बैठोगे तो थोड़ा सा प्रेशर अलग होता है, और उस प्रेशर में क्या होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और उस चक्कर में हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं पेपर में। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है और हर दूसरे बच्चे के साथ ये दिक्कत होती ही होती है। तो तुम्हारे लिए क्या होगा कि अगर तुम सैंपल पेपर कर रहे हो तो सैंपल पेपर क्या होगा कि जब पहली बार सैंपल पेपर करोगे तो हो सकता है कि आपका 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, अगली बार 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि 10 मिनट पहले तुमने पेपर कर लिया, आधे घंटे पहले पेपर कर लिया, फिर एक एक घंटे पहले भी तुम पेपर कंप्लीट कर लोगे सैंपल पेपर जब करोगे तो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पेपर होगा फाइनल का उसमें तुम अच्छा खासा टाइम बचा लोगे, जिसके वजह से तुम एक बार चेक कर सकते हो पूरा का पूरा पेपर कि कहां कहां एरर किया, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं किया। ये तुम्हें 7 नंबर, 6 से 7 नंबर दिलवा सकता है, तुम्हारे बचा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि सैंपल पेपर करने अच्छा रहेगा, गुड फॉर यू, क्योंकि तुम कहीं धुरंधर यार नहीं हो यार, तुम गलती कर सकते हो, टाइम की दिक्कत हो सकती है, एंग्जाइटी हो जाती है पेपर में, तो क्यों रिस्क लेना, सैंपल पेपर कर लेना, बात खत्म। कितने सैंपल पेपर, 6 से 7 कर लेना, बहुत है, 6 से 7 अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देगा। अब बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि 3 मार्क्स जो बेटा है वो लक के है। 3 मार्क्स लक के क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि देखो 3 मार्क्स क्या होता है कि आपका सिचुएशन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है पेपर जब दे रहे हो, इन सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तुम्हारा परफॉर्मेंस। कभी कभी कि मान लो कि अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हारे पीछे वाला बच्चा, या तुम्हारा तबीयत खराब हो गई है, या तुम्हें कोल्ड हो गया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यार, तो या कोई तुम सिली मिस्टेक कर दे रहे हो पेपर को जब सॉल्व कर रहे हो, तो इस सिली मिस्टेक के चक्कर में 2 या 3 नंबर कट सकते हैं। तो ये 3 नंबर को थोड़ा सा रिजर्वेशन में रखो कि ये आ गए बेस्ट है, क्यों तुम अपना तो बेस्ट दोगे, ये ध्यान रखना कि तुम्हें 80 नंबर का टारगेट लेके चलना है, पर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर तुम्हारे लक सपोर्ट रहा, तुम्हारे लक ने साथ दिया, तो तुम्हारे 80 में से 80 है। अब ये जो टॉपिक्स हैं इनको कहां से पढ़ना है ये समझते हैं। देखो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है, नंबर सिस्टम को अगर तुम्हें पढ़ना है तो पहला एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और एनसीईआरटी के साथ बस ये कंप्लीट कर लो, ये चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा की बात करूं, अलजेब्रा में भी सेम काम करना है, तुम्हें करना है एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरे अलजेब्रा चारों के चारों चैप्टर पूरे 25% पूरा स्कोर कर सकते हो, बस इतना कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दिक्कत है ना कि एनसीईआरटी में उतना दम नहीं है, एनसीईआरटी में उतना दम नहीं है, तो अगर तुम्हें अच्छा नॉलेज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अच्छी कॉन्सेप्ट करने हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार आरडी शर्मा से करो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आरडी शर्मा से तुम्हारे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो एनसीईआरटी से नहीं करोगे इसको तो भी चलेगा, आरडी से इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये 6 नंबर तुम्हारे हाथ में है, कोई नहीं रोक सकता। ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स इसके लिए तुम्हें काफी है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस इतना कर लो, नंबर पूरे। मेंसुरेशन भैया एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी मत जाओ, कहीं भी इधर उधर मत करो। एक टॉपिक और रह गया है हमारा, मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री मैंने नहीं लिखा था। तो तुम्हें जो मेंसुरेशन है ये 10 मार्क्स का है, मेंसुरेशन के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एनसीईआरटी पे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। स्टेट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं बनेगा, इसके लिए तुम्हें फिर से किस पे जाना पड़ेगा, आरडी शर्मा पे। और जब बात करूंगा ज्योमेट्री की, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, बहुत है, सिर्फ एनसीईआरटी। तो ये पूरा कंप्लीट करके चलो, जितना मैंने बताया है किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस वो देख के चलो, तो तुम्हारी ये 80 में से 80 स्कोर कर सकते हैं। बाकी 20 नंबर अगर तुमने अच्छा काम किया, अच्छे टीचर से बर्ताव रखा, तो 20 नंबर मिलने ही मिलने हैं, असाइनमेंट सबमिट किया, तो 80+20 तुम्हारे 100 नंबर गारंटी हो जाएंगे। बस ये तरीका अप्रोच करो, इसको फॉलो करो। देखो एनसीईआरटी को कम से कम
तीन बार तुम्हें करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को तीन बार करोगे तब जाके एनसीईआरटी सही से होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर दो बार कर ले रहे हो तो बहुत है। तो ये ध्यान में रखना कि इतना तुम्हें काम करना है अगर मैथ में 100 स्कोर करने हैं तो। बाकी मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प चाहिए मैं यहां पे हमेशा अवेलेबल हूं। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, कोई तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए तुम मुझे कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तुम्हें उस पर वीडियो बना के दूंगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा, उसमें मैं कुछ नोट्स असाइनमेंट प्रोवाइड कराता रहूं जिससे तुम्हारी हेल्प होगी। देखो 100 नंबर लाना आसान है, 10th क्लास सबसे इजी है, तो तुम ला सकते हो। लाओगे नहीं, एकदम कंफर्म बांध के चलो कि हाँ मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। बस ला सकने वाली कहानी अलग है, ला सकते हो वो अलग है, लाओगे बस इसको फॉलो करके चलो, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता। अगर तुमने एक बार फिक्स कर लिया है कि मुझे 100 नंबर लाने हैं, भाई बहुत इजी है यार। अगर 10th में मार्क्स नहीं आ रहे ना तुम्हारे, तो समझ लो कि फिर और कहीं नहीं आने, 10th इतना इजी है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से मेहनत करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ है तुम्हारे, पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, फिर क्यों नहीं आएंगे, ठीक है? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कि तुम्हें कैसे नंबर स्कोर हो। तो बस इतना ही, ध्यान रखो अपना, अच्छे से मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, सबका है, टेक केयर।